गाजीपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से प्रशासन और आम लोग सभी परेशान हैं। महानगरों से आए प्रवासियों में लगातार कोरोना संक्रमण पाए जाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी गाजीपुर में 7 मरीज मिले हैं। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने गाजीपुर में कुछ नए कोरोना हॉटस्पॉट बना दिए हैं। इन जगहों पर कोरोना के मरीज पाए गए थे। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर, वकीलबाड़ी, जंगीपुर में चकबाकर पहेतिया, शादियाबाद का यूसुफपुर खड़वा, गुरैनी गांव और नौनहरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाला बभनौली को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से हॉटस्पॉट घोषित होने पर इलाकों की अधिकतर गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाती हैं। अब इन इलाकों में फिलहाल कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दवाओं और इमरजेंसी ड्यूटी में क्लासिफाइड चीजों को छोड़ दिया जाए तो सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। आपको बता दें कि वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमितों को रखने की व्यवस्था फुल हो गई है। यही वजह है कि गाजीपुर के कोरोना संक्रमितों को अब जौनपुर में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। गाजीपुर के कोविड-19 अधिकारी ने बताया कि अगर जौनपुर का भी अस्पताल भर गया तो मरीज फिर गाजीपुर में ही रखे जाएंगे और इसकी व्यवस्था कर ली गई है। गाजीपुर में लगातार बाहर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में यहां लोगों को सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर ही निकलें। सर्दी खांसी बुखार के लक्षण वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। अगर आप में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। इसके लिए आप आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम आयुष मंत्रालय का लिंक शेयर कर रहे हैं, उस लिंक को खोलकर पढ़ें। उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय दिए गए हैं। इसके अलावा ये उपाय आरोग्य सेतु ऐप में भी दिए गए हैं। अगर आपने अब तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर डाउनलोड करें। ये आपको कोरोना के संक्रमण से बचाने में मददगार बनेगा। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।